एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों से लोगों का मोहभंग हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ के पलनी ब्लॉक स्थित इकरामपुर का प्राथमिक विद्यालय अपने आप में एक नजीर प्रस्तुत कर रहा है। यहां बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, साथ ही यहां माइक लगे हुए हैं और उनको प्रेयर और असेंबली के लिए उसी माइक के सहारे उनको सबको एकत्रित किया जा रहा है। यहाँ की शिक्षिका ने बताया कि बहुत जल्द ही इस स्कूल में CCTV भी लगा दिया जाएगा, जिससे पूरे यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सही से मॉनिटरिंग की जा सके। देखिए, पहली चीज तो सरकार की ये पहल जो इंग्लिश मीडियम में स्कूलों को कन्वर्ट करने की है, ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि आज का समय एक प्रतियोगिता से भरा हुआ हो गया है। तो यही एक कारण था कि बच्चों को, लोग अपने जो गार्जियंस हैं वो बच्चों को ये चाहते थे कि हमारा बच्चा भी इंग्लिश में कहीं बेहतर कर सके, इंग्लिश मीडियम की तरफ उनका रुझान था, जिसके कारण से प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल, जहां पर कि अगर वास्तविकता में देखा जाए तो जो टीचर्स हैं, अध्यापक बिल्कुल ही प्रशिक्षित नहीं होते हैं, उनकी योग्यता भी उनके अनुसार नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद गार्जियंस को एक इंग्लिश मीडियम का रुझान वो बच्चों को ले जा रहा था। हम लोग यहाँ पे बच्चों के लिए ICT का पूरा यूज करते हैं, बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, हम लोग उसमें बच्चों के एजुकेशन में पपेट्री का यूज करते हैं, कहानी वगैरह सुनाने में और बाकी सारी चीजों में। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की स्थिति भले ही खराब हो, लेकिन आजमगढ़ जनपद के पलनी ब्लॉक स्थित इकरामपुर का प्राथमिक विद्यालय रोल मॉडल बना हुआ है। इस स्कूल में प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिस कारण यहाँ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत से बच्चे वहाँ से अपना नाम कटवाकर इस स्कूल में अपना दाखिला करवाए हैं। अजय कुमार मिश्रा, ETV भारत, आजमगढ़।